अभी रिसेंटली IQ ने मार्च के मंथ में अपना स्मार्टफोन लॉन्च किया था IQ G9, और ये फोन 20,000 के अंदर में बेस्ट गेमिंग फोन के टॉप लिस्ट में शामिल है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, काफी सारे लोगों का कहना है। IQ वाले ने 20,000 के बजट वाले लोगों के लिए तो कर दिया, अब बेचारे 15,000 के बजट वाले IQ वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो IQ इसी चीज को ध्यान में रखते हुए लॉन्च करने जा रहा है अपना एक और बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन। ये फोन 15,000 के बजट में आग लगाने वाला है। मार्केट में कुछ ऐसे भी अफवाहें आ रही है कि IQ G9X IQ G9 को हटा सकता है, तो इस बात में कितनी सच्चाई है उसको जानने के लिए आज हम कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों ही फोन्स को, और जानते हैं कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए या नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। इन दोनों ही फोन्स के अंदर फ्लैट बॉक्सी डिजाइन देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन्स का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। हाँ, एक चीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो है इनकी कैमराज में। IQ G9 का कैमरा राउंड शेप में आता है, वही IQ G9X का कैमरा थोड़ा सा स्क्वायर टाइप देने की कोशिश की गई है, बट पूरा स्क्वायर नहीं है, साइड से कॉर्नर को राउंड रखे गए हैं। दोनों ही फोन्स के अंदर प्लास्टिक बैग देखने को मिलेगा। इसके पहले IQ अपने G6 सीरीज के अंदर ड्रॉप नॉच कैमरा सेटअप देता था, लेकिन अब IQ अपने सारे फोन में पंच होल कैमरा सेटअप दे रहा है, और दोनों ही फोन्स के अंदर एवरेज साइज के चिन्ह और बेजल्स दिए गए हैं। अगर हम गेमर्स कम्युनिटी की बात करें तो उन्हें सबसे ज्यादा दो चीजों से मतलब होती है, नंबर 1 परफॉर्मेंस और सेकंड डिस्प्ले। तो पहले देखते हैं इन दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले को। IQ G9X के अंदर IPS स्क्रीन पैनल दिया गया है, वहीं G9 के अंदर AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। वैसे दोनों ही डिस्प्ले अपनी अपनी जगह पे सही है। G9X का डिस्प्ले साइज 6.72 इंचेस का दिया जाएगा और G9 के अंदर 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। तो साइज के हिसाब से G9X का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 86.4% का मिलता है, वही G9 का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.61% देखने को मिलता है। G9X के अंदर 1000 nits की पीक ब्राइटनेस मिलेगी, वहीं पे G9 के अंदर 1800 nits की पीक ब्राइटनेस दिया गया है। तो आप इस कड़कती धूप में मसालेदार कंटेंट को देख सकते हो। बात करें इन फोन्स की परफॉर्मेंस की, G9X के अंदर स्नैपड्रैगन 6 जेन 1 का सपोर्ट दिया गया है, वहीं G9 के अंदर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 पर बेस्ड आता है। इन दोनों ही फोन्स की अंततु स्कोर की बात करूं तो G9X का अंततु स्कोर करीब 5 लाख के आसपास देखने को मिलेगा, वहीं अगर G9 की बात करें तो इसका अंततु स्कोर लगभग 7.5 लाख के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं गेमिंग के वक्त इसका थ्रोटल स्कोर लगभग कांस्टेंट देखने को मिलता है, मतलब ये फोन परफॉर्मेंस के मामले में एकदम किलर है। अब अगर बात करते हैं इन दोनों ही फोन्स की कैमरास की, क्योंकि ये दोनों ही फोन्स मिड रेंज के अंदर आती है, और तो ये प्राइस रेंज 90% मिडिल क्लास वालों का फेवरेट बजट रेंज है। इस प्राइस रेंज के ऊपर जाना गुनाह करने के बराबर है। तो यहाँ पे कैमरा अच्छा होना बड़ा फैक्टर बन जाता है। G9X के रियर कैमरा में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया है, और G9 को देखे तो इसके रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा एंड 2 मेगापिक्सल का बोकेज लेंस दिया गया है। G9X के फ्रंट कैमरा में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी दिया गया है। G9 के अंदर 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिससे आप अपने बाबू के साथ अच्छी अच्छी सेल्फी ले सकते हो। लेकिन इस प्राइस रेंज में दूसरे ब्रांड्स के फोन 16 मेगापिक्सल का कैमरा ऑफर कर रहे हैं। एटलीस्ट यहाँ पे IQ वालों को 13 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट देना ही चाहिए था, और इस फोन का कैमरा सोनी ने बनाया है तो फोटो वगैरह काफी अच्छी आएगी, और G9X के रियर कैमरा से 4K 30fps में वीडियो शूट कर पाओगे, और इसकी सेल्फी कैमरा से 1080p 30fps पर शूट कर पाओगे। वही अगर G9 को देखे तो इसके रियर कैमरा से 4K 30fps पे रिकॉर्ड कर पाओगे एंड फ्रंट कैमरा से 1080p 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे, यानी आप दोनों ही फोन से सेम रेजोल्यूशन पर वीडियो शूट कर पाओगे। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे 20,000 लगाने का क्या फायदा, तो बता दूं कि रेजोल्यूशन सेम है, बट ये उतना मायने नहीं रखता। यहाँ पे आपको वीडियो की क्वालिटी में डिफरेंस देखने को मिलेगी। वही अगर हम बैटरी की बात करें तो G9X के अंदर 6000mAh का बिग बैटरी सेटअप दिया गया है, मींस आपको अपनी बाबू से बार बार ये नहीं बोलना पड़ेगा कि बाबू मेरी फोन का बैटरी डेड हो गई। भाई आप जो समझ रहे हो वो नहीं, मैं यहाँ पे बैटरी की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ IQ ने 44W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी दे रखा है। G9X का वेट 199 ग्राम देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर G9 की बात करें तो यहाँ पे आपको 5000mAh का बिग बैटरी दिया गया है, जिससे कि आप आराम से एक दिन तक यूज कर पाओगे, और यहाँ पर भी IQ ने 44W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया है। G9 का वेट देखे तो ये 188 ग्राम का देखने को मिलेगा।
मीन्स ये फोन लाइट वेट फील होगा हाथ में पकड़ने के बाद, लेकिन मैं यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हूँ क्योंकि इस प्राइस रेंज में आईक्यू वालों को 68 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देना ही चाहिए था। अब देखते हैं इस फोन की कनेक्टिविटी की ओर। आईक्यू G9X के अंदर 7 5G बैंड्स देखने को मिलते हैं। अगर इस प्राइस रेंज में मोटो के फोन्स को देखे तो वहाँ पे आपको 13 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं और एक ये है। और आईक्यू G9 के अंदर टोटल 8 5G बैंड्स दिए गए हैं, मीन्स यहाँ पे आईक्यू वाले ने सस्ता काम कर दिया है। यहाँ पे आपको ठीक ठाक 5G कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। कुछ और स्पेसिफिकेशन की ओर देखे तो G9X के अंदर साइड माउंटेन फिंगरप्रिंट दिया गया है, वही G9 के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया गया है। G9X का वाटर रेजिस्टेंस IP64 है एंड G9 का IP54। इन सब के साथ साथ G9 के अंदर कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स दिया गया है, जैसे अल्ट्रा गेमिंग मोड और यहाँ पे डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है, जिससे आप मल्टीमीडिया अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। अगर इन दोनों ही फोन्स की कंक्लूजन की बात करें तो वैसे तो इन दोनों ही फोन्स का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों ही फोन्स अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर में आते हैं, बट ये दोनों ही फोन्स अपने अपने प्राइस रेंज में बेस्ट फोन होने वाले हैं। तो अगर आप 15,000 के रेंज में कोई फोन लेना चाहते हो तो रुक जाओ, क्योंकि शायद अगले ही मंथ आईक्यू G9X अपना फोन लॉन्च करे। और अगर आप मिड रेंज के अंदर गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो तो आप आईक्यू G9 की ओर जा सकते हो। मैं ये दोनों ही फोन्स आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा। कि अगला वीडियो कौन कौन से फोन के कंपैरिजन में चाहिए कमेंट में बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।